हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम गाम्बिया में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक मना रहे हैं। इस टाइम गाम्बिया में अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है ये, यहाँ पर हम पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आज मैं वीडियो में आपको एक्सप्लोर करूँगा किस तरीके से हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कौन कौन से लोग हमारे साथ इसमें इन्वाइट है और कौन कौन यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से प्रोग्राम को सेलिब्रेशन किया जाएगा, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम पहुँचते हैं उस जगह के ऊपर और फिर लोगों के साथ बात करते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेशन होगा और गाम्बिया में अफ्रीका में हम पाकिस्तान का झंडा ले जाएंगे। पहुँच चुके हैं जहाँ पर प्रोग्राम सेलिब्रेशन होगा और इस जगह का नाम सेनी गाम्बिया है। सेनी गाम्बिया में ये एक हॉल है, इसका नाम है पंचामी कॉन्फ्रेंस सेंटर, इसको बुक करवाया है। अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया है। पंचामी हॉल इसका नाम है। अंदर से हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेटिंग की हुई है। आइए मेरे साथ चलते हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आने के लिए बाकी है। छोटी बच्ची का जवाब वैसे ही दुरुस्त हो गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये इन्होंने खाली चलना है। अच्छा, ये इनका जवाब। आपका नाम क्या? आपकी एज क्या? 10 साल। आप मुझे बता सकते हो फलों का बादशाह कौन है? अरे माशाल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है? रेनबो में कितने कलर यार? आज़ादी के बारे में गाम्बिया में कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम भाई। आपने देखा होगा वो बिल पाकिस्तान एक गाना बना था, उसकी वजह से वो पकड़ा गया बेचारा, इतने दिनों तक अंदर रहा। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, तो इस वजह से जो है ना यहाँ माशाल्लाह हमने प्रोग्राम रखा है। अलहमदिल्ला गाम्बिया में हम बैठे हैं आज 14 अगस्त। हम आज इसलिए मना रहे हैं कि ना कुछ हो नहीं सकी थी सेटलमेंट, ना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका था कुछ लोगों का, तो माशाल्लाह आप दिखा सकते हैं पीछे भी। गाम्बिया में पहली दफ़ा जश्न आज़ादी का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है 14 अगस्त की। तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, आप लोग सब देख सकते हैं माशाल्लाह। और दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की दे, आमीन। आप लोग भी दुआ में याद रखें। उस बंदे से हम दूसरा सवाल पूछेंगे, फिर उसको अगर वो दूसरा सवाल की कामयाब हुआ तो ठीक है। ओ, पांच है भाई, कोई नहीं बोलना भाई, पांच है, पांच है ना, इतने चार पांच है, पांच गाम्बिया रिवर भी है। अरे भाई क्या हो गया, गंगा जमुना इंडिया में पाकिस्तान में नहीं है। दरिया सिंध, अरे तो सफर करो,
थोड़ा सुकून करो, थोड़ा हम लोग का टांग को देख को एक उसे माइनस दो यार के पांव में लगे। अबे अपने वालों के दुश्मन बन गया। अच्छा चलिए एक और आंसर। थैंक यू वेरी मच। देख बहुत आसान होना चाहिए। वो कौन सा बैग जिसमें कपड़े नहीं रख सकता? जिसमें कपड़े नहीं रख सकता? कौन सा बैग है जिसमें कपड़े नहीं रख सकता? जिसको आता है अगर उसने बोल दिया ना कौन सा नानी नानी। अरे वो टीम है, टीम है। नाक क्लियर नाक क्लियर मेरा नाम मीरा इमरान है और आज मैं यहाँ आपको पाकिस्तान की कुछ खूबसूरत बातें बताने आई हूँ। वैसे आप सब पाकिस्तान की खूबसूरती से बखूबी वाकिफ होंगे। पाकिस्तान के चार सूबे हैं, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब। कश्मीर भी पाकिस्तान का बहुत प्यारा हिस्सा है। पाकिस्तान में कुदरती खूबसूरती बेपनाह है, जैसे कि नारान, भगवान, खुंजा और मरी की पहाड़ियाँ जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। अब मैं कुछ बच्चों को दावत देना चाहूँगी कि वो यहाँ आए और पाकिस्तान के सूबों की कुछ झलकियाँ पेश करें। तेरे दम से शान हमारी तुझसे